हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 7 जनवरी 2019 की प्रीलिम्स एबिलिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज की हमारी न्यूज डिस्कशन में। तो आज जो पहला आर्टिकल है पीआईबी में वो है पंच तीर्थ को लेके। देखो आज की जो न्यूज है वो हम 6 जनवरी और 7 जनवरी दोनों की न्यूज को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो पंच तीर्थ को लेकर कंटेक्स्ट क्या है वो देखते हैं। आपको बता दूं कि पंच तीर्थ है वो इंडिया में नहीं है, पहला फैक्ट तो आपको यही ध्यान रखना है। ये पाकिस्तान में एक प्रोविंस है जिसका नाम है खैबर पख्तूनवा, और वहां पे ये पंच तीर्थ है जो हिंदुओं का तीर्थ स्थान है, उसको अभी एक हेरिटेज के तौर पर या नेशनल हेरिटेज के तौर पर डिक्लेयर है वो किया गया है जो यहाँ की खैबर पख्तूनवा गवर्नमेंट है उसके द्वारा। तो ये हमें फैक्ट ध्यान में रखना है। कुछ टाइम पहले भी यह न्यूज में आया था कि इसको लेके जो वहां पे बाड़ वगैरह है, मेड वगैरह वो लगाई जा रही है ताकि जो हिंदू तीर्थ आते हैं वो यहाँ पे जा सकें। तो यह फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि खैबर पख्तूनवा जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान के हिस्से में ये पंच तीर्थ है जो एक हिंदुओं का मंदिर है, टेम्पल एक जगह है, उसको अभी नेशनल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है। तो यह हमें ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही और फैक्ट की हम बात करें, यहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट ने प्रावधान किया है कि अगर कोई भी इस मतलब आर्किटेक्चर इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज करता है, इस हिस्टोरिक साइट को नुकसान पहुंचाता है, तो उसको 2 मिलियन तक का फाइन और 5 साल तक की सजा है वो दी जा सकती है। तो ये कुछ फैक्ट इसके बारे में। अब हम देखते हैं पंच तीर्थ को लेकर, ये जो स्थान है जो कि हम देख सकते हैं इसके बारे में। अब इसके बारे में कुछ फैक्ट देखते हैं इसके बैकग्राउंड के बारे में। देखो पंच तीर्थ का मतलब है 5 पोल्स ऑफ वाटर। तो ये हमें इसके थोड़ा सा फैक्ट देखना है। अब मैं आपको बता दूं कि इसमें एक टेम्पल है और वहाँ पे पाम ट्री है। पाम ट्री है वो एक्चुअली जैसे नारियल के पेड़ होते हैं उसी तरीके से पाम ट्री है वो होते हैं। और इसका जो पंचतीर्थ यह स्थान किस रिलेटेड है ये भी हम देखते हैं। देखो महाभारत के बारे में आप सब लोगों ने सुना होगा। तो महाभारत में एक राजा थे पांडु, और ऐसा माना जाता है कि जो पांडु राजा थे वो यहीं से बिलोंग करते थे और इसीलिए ये टेम्पल यहाँ पे बनाया गया है। और होता है क्या कि हर साल जो कार्तिक मंथ आता है जो कि हिंदू आपका इंडियन कैलेंडर है, उस कार्तिक महीने में लोग यहाँ पे जाके मतलब स्नान करते हैं और पूजा है वो की जाती है। तो ये इसलिए फेमस भी है। अब देखो हम बात करें इसके और बैकग्राउंड की। तो जब अफगान डोरानी जो डायनेस्टी के टाइम पे वॉर हुआ था वहाँ पे लड़ाई हुई थी पाकिस्तान एरिया में 1747 में, तो उस टाइम पे ये मंदिर उसको नुकसान आया, क्षति वो पहुंचाई गई थी। इसके बाद में जो लोकल हिंदू थे वो जिस टाइम पे सिख रूलर था उनका वहाँ पे, तो 1834 में इसको वापस से वो रिकन्स्ट्रक्ट किया गया था और इसकी वहाँ पे पूजा वगैरह स्टार्ट है वो की गई थी। तो इसके बारे में कुछ फैक्ट थे जो हमने यहाँ पे डिस्कस है वो के करके किए हैं। तो यूपीएससी तो पूछ सकते हैं कि भाई महाभारत से टाइम से रिलेटेड वगैरह, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है लोकपाल को लेके। देखो लोकपाल की वैसे जो शुरुआत है वो हुई थी इंडिया में 1963 से, इसके लेकर बातचीत है वो चलने लगी थी। तो उस टाइम पे पार्लियामेंट में बजट के जो वितरण होता है उसको लेके डिस्कशन है, उस टाइम में इसकी स्टार्टिंग है, इसकी चर्चा है वो की गई थी। इसके बाद में जो लोकपाल को लेकर जो एक्ट आया था इंडिया में, वो आपको काफी सबको पता है कि 2013 में काफी बड़ी मूवमेंट चली थी अन्ना हजारे के नेतृत्व में, और वहीं पे लोकपाल के एक्ट है वो लाया गया था। तो अभी हुआ क्या था कि लोकपाल का एक तो बन गया था, बट लोकपाल को एक्टिव है वो नहीं किया गया था, अपॉइंटमेंट है वो नहीं की गई थी। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप सेंट्रल गवर्नमेंट को आप इतना ढीला रवैया वगैरह क्यों कर रहे हो। तो इसको लेके अभी एक पैनल है वो बनाया गया सर्च कमेटी, उसको लेके अभी कंटेक्स्ट हुआ है। कंटेक्स्ट यह है कि अभी गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को इन्फॉर्म किया है कि उन्होंने 8 मेंबर की एक सर्च कमेटी बनाई है जो कि लोकपाल के जो सदस्य हैं वगैरह हैं, जो चेयरपर्सन है उनकी अपॉइंटमेंट के लिए उनको नाम है वो रिकमेंड करेगी। तो उसको लेके अभी न्यूज है वो आई है। अब यहाँ पे लोकपाल के बारे में कुछ फैक्ट हैं। देखो एक तो यह है कि ये एक स्टेचुरी बॉडी है क्योंकि लोकपाल एक्ट 2013 में बना था और उसके बाद ही है। अब इसके कुछ पावर वगैरह हम देखते हैं। देखो लोकपाल है वो हमारे देश में जो एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है उसके तौर पे काम करेगा। अभी देखो हमारे देश में देखिए तो कोई भी ऐसी एक बॉडी नहीं है, अलग से पूरा सिस्टम नहीं है जो कि करप्शन से डील कर सके। सीबीआई है तो वो भी आपको पता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के हस्तक्षेप में कहीं ना कहीं रहती है, इसीलिए एक एंटी करप्शन ओम्बड्समैन के तौर पर लोकपाल की स्थापना वो की जा रही है। तो सेंट्रल लेवल पे तो क्या होगा लोकपाल, और स्टेट के लेवल पे बोला जाएगा उसको लोकायुक्त। तो यह ध्यान में रखना है कि लोकायुक्त तो होंगे स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे होगा लोकपाल। अब इसकी ज्यूरिडिक्शन की हम बात करें तो इसकी ज्यूरिडिक्शन में देखो पब्लिक जो सिविल सर्वेंट्स हैं आईएएस वगैरह होगी वो सब आएंगे, इसके साथ प्रधानमंत्री भी इसकी ज्यूरिडिक्शन में आएंगे। मतलब हम बात करें कि जो भी हमारे देश में करप्शन रिलेटेड कोई भी मामले होंगे तो सब लोकपाल के अंडर है वो आएंगे, ऐसा नहीं कि लोकपाल की ज्यूरिडिक्शन काफी लिमिटेड होगी। इसके साथ ही इसमें एक चेयरपर्सन होंगे और 8 इसके मैक्सिमम मेंबर है वो ने। तो ये कुछ फैक्ट हमें ध्यान में यहाँ पे रखने हैं। अब हम बात करें इसका और काम, इसका काम मेनली है कि इंडिया में अगर कहीं भी करप्शन वगैरह हो रहा है तो उससे रिलेटेड डील है वो इसके द्वारा की जाएगी। इसके साथ इसके जो भी काम इसके अंदर जो लोकपाल में जो भी केस वगैरह आएंगे उनको 6 महीने के अंदर है निपटाना होगा, उसकी टाइम लिमिट है वो रखी गई है।
और अगर स्टेट भी लोकायुक्त है उसके बारे में डिसीजन ले लेते हैं कि हाँ भाई वो भी मतलब लोकपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, तो उनको एक साल के अंदर अंदर अपनी कमिटमेंट को पूरा है वो करना होगा। और जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं जो कि विसल ब्लोअर के तौर पर काम करते हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्ट भी किया जाएगा। देखो विसल ब्लोअर का मतलब ये होता है कि वो पब्लिक सर्वेंट या वो पर्सन जो कि अगर कहीं भी वो करप्शन या कोई भी गलत काम हो रहा है उसको लेके अलर्ट है, वो कर रहा है मतलब विसल बजा देता है, अलर्ट कर देता है कि हाँ भाई यहाँ पे गलत हो रहा है। जिस तरीके से हम ट्रैफिक के अगर रूल तोड़ते हैं तो पुलिस वाला विसल बजाता है, उसी तरीके से विसल ब्लोअर का मतलब यहाँ पे है कि अलर्ट करना। तो उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया जाएगा कि भाई उन्होंने अच्छा काम किया है, तो उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन भी दी जाएगी इसमें। और अगर हम पावर की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया था कि यह एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भी डील है वो करेगी, मतलब हमारे देश में कहीं भी करप्शन रिलेटेड कोई भी मामला है अभी तो देखो सीबीआई काम करती है, बट सीबीआई भी अब हम बात करें तो वो भी लोकपाल के अंडर ही आएगी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होगी सीबीआई होगी सीबीसी वगैरह होगी वो सब लोकपाल की ज्यूरिडिक्शन में काम है वो करने वाली है, तो यह ध्यान में रखना है। अब हम बात करें जैसे कि भाई सीबीआई के पास कोई भी केस है तो वो केस अगर सीबीआई से कई बार क्या होता है एक ब्रांच से दूसरी में ट्रांसफर कर देती है तो वैसा फिर फ्यूचर में नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि लोकपाल की परमिशन के बाद ही सीबीआई वैसे कुछ स्टेप ले सकेगी। तो कहीं ना कहीं सीबीआई की जो कहते हैं ना कि गवर्नमेंट की एक तरीके से पपेट्री बनी हुई है सीबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उस वो चीज भी कहीं ना कहीं कम होगी और जो हमारे देश में लोकपाल है वो एक तरीके से स्वतंत्र रूप पे काम है वो कर पाएगा, तो ये कुछ इसके बेनिफिट भी होंगे। इसके साथ जो विजिलेंस कमीशन होंगे उनको भी यहाँ पे लिमिट है वो उनको भी लगाई जाएगी। और हम बात करें यहाँ पे कि देखो जो केस वगैरह होंगे या जो इन्वेस्टिगेशन वगैरह की जाएगी लोकपाल के द्वारा वो 6 महीने के अंदर उनको फिनिश है वो करनी होगी, और इसके साथ कुछ कंडीशन में उनको 6 महीने का एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है कि भाई आप नहीं कंप्लीट कर पाए हो केस को तो उनको 6 महीने कुछ लिमिटेड कंडीशन में भी छूट है वो दी जाएंगी। इसके साथ ही केस वगैरह को खत्म करने के लिए स्पेशल कोर्ट्स का भी प्रावधान है वो इसमें लोकपाल के तहत बिल के तहत किया गया है, तो ये कुछ हमने यहाँ पे फैक्ट है वो देखें। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है अटल सोलर कृषि पंप योजना के बारे में। देखो ये हम एक तो आंसर राइटिंग में इसका यूज कर सकते हैं, क्योंकि आंसर राइटिंग में अगर वैल्यू एडिशन करना हो, और देखो आपको पता है कि आज के टाइम पे किसानों के पॉइंट्स काफी ज्यादा हाईलाइट रहे हैं, किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारे प्रावधान भी किए हैं, और आपको पता है गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि 2022 तक किसानों की जो इनकम है उसको 2 गुना करना है, और उसी लिए गवर्नमेंट काफी सारे स्टेप भी लेके आ रही है। तो ये जो स्कीम है अटल सोलर कृषि पंप योजना ये एक्चुअली महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लाई गई है, तो ये ध्यान में रखना है कि महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो किसान है ना उनको मतलब आपको पता है उनका लाइट का बिल काफी ज्यादा हो जाता है, तो उस कंडीशन में उनका जो लाइट का लॉस है उसको कम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी बिल का बोझ उन पे कम हो जाए और जो सोलर एनर्जी इसको प्रमोट किया जा सके इसके लिए तो उन्होंने अटल सोलर कृषि पंप योजना स्टार्ट है वो की है। अब इस स्कीम में होगा क्या, इस स्कीम में 2 फीचर हैं। एक तो ये है कि जो किसान है उनको 2 LED बल्ब दिए जाएंगे, 1 DC फैन दिया जाएगा और उनको एक मोबाइल चार्जर सॉकेट दिया जाएगा फ्री बेसिस पे, यह ध्यान रखना ये तो गवर्नमेंट चीजें करवाएगी फ्री प्रोवाइड। इसके साथ ही किसानों को सोलर पंप है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, किसानों को जो सोलर पंप है इसकी 95% सब्सिडी दी जाएगी, मतलब ये मान लो कि 10,000 रुपए की अगर कोई मोटर है तो उसका 95% जो पैसा है 9,500 रुपए तक वो तो गवर्नमेंट वहन करेगी, बाकी 500 रुपए है वो खुद इंडिविजुअल पर्सन को या जो भी किसान फार्मर है उनको पे करने होंगे, तो ये ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट ने यह प्रावधान रखा है कि लगभग 1 लाख सोलर पंप है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। अब हम बात करें एलिजिबिलिटी के बारे में, तो देखो इसमें यह प्रावधान किया गया है कि जो अगर जैसे किसी भी किसान के पास कम जमीन है, हम बात करें 5 एकड़ से कम जमीन है, तो उसको 3 HP का सोलर कनेक्शन दिया जाएगा, सोलर जो पंप है मोटर है वो दी जाएगी, उस पर उसको केवल 5% पैसा ही पे करना होगा। और अगर हम बात करें कोई भी बड़ा किसान है मतलब जिसके पास 5 एकड़ से ज्यादा की जमीन है उसको एक्चुअली 500 HP का सोलर पंप है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बस उसको 30,000 रुपये पे करने होंगे। ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा, तो ये कुछ फैक्ट हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। अब देखो ये इतना तो आपको रखने की जरूरत नहीं है कि 5% सब्सिडी दी जाएगी 30,000 रुपये देने वगैरह हैं, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें तो फ्री में मोबाइल चार्जर वगैरह बल्ब वगैरह प्रोवाइड करवाए जाएंगे, इसके साथ ही लाइट का लोड कम हो किसानों के ऊपर बोझ कम पड़े इन सब के लिए चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हैं वो की जा रही है, महाराष्ट्र के द्वारा किसानों के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है वो उठाया गया है। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो यहाँ पे आया है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। देखो काफी अच्छा आर्टिकल है, इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एक जो इंडेक्स है वो कौन जारी करता है, तो देखो एक जर्मन वॉच एक फाउंडेशन जिसका नाम है न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप, ये इसके द्वारा ये इंडेक्स है वो जारी किया जाता है। अब ये इंडेक्स जारी क्यों जाता है ये भी हम देखते हैं। देखो इस इंडेक्स को जारी करने का मेन मोटो ये है कि जो कंट्रीज है ना जिन कंट्रीज ने वादा तो कर दिया कि हाँ भाई हम क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए काम करेंगे और वो काम नहीं कर रही है, तो उन कंट्रीज के ऊपर एक पॉलिटिकल और एक सोशल प्रेशर क्रिएट किया जा सके, देखो कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक ऐसा माहौल बनाया जा सके ताकि वो कंट्री अपने आप में बाध्य हो जाए और कैसा काम करें, इसके लिए इंडेक्स जारी किया जाता है।
अब हम बात करें, देखो यार एक चीज देखिए, जिस तरीके से पेरिस क्लाइमेट चेंज है, अगर इंडिया पेरिस क्लाइमेट चेंज की चीज जो भी डील्स वगैरह जो भी प्रोविजन है अगर उनको नहीं मानता है, तो ऐसा थोड़ी कि इंडिया को कोई सजा मिलेगी, इंडिया को फांसी दे देंगी, मतलब कुछ सजा नहीं मिलेगी बट इंडिया को खुद को बुरा लगेगा, इंडिया को ऑल ओवर वर्ल्ड में क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से वो इंडिया पे क्या होता है, पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर क्रिएट किया जाता है। तो वही बात यहाँ पे है कि क्लाइमेट चेंज जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है इसमें भी पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर क्रिएट किया जाता है कंट्रीज पे। कौन सी कंट्रीज पे, उन कंट्रीज पे जिन्होंने वर्ल्ड में हाईएस्ट पोल्यूशन या हाईएस्ट जो मतलब पोल्यूशन फैलाया है और क्लाइमेट चेंज में काफी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो बेसिकली हम बात करें इसमें 60 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि ऑल ओवर वर्ल्ड में 90% ग्लोबल कार्बन एमिशन है वो करती हैं, मतलब 60 वर्ल्ड की जो कंट्रीज जो कि कार्बन एमिशन है वो 90% हिस्सा वहन करती हैं, उन कंट्रीज के लिए इंडेक्स है वो जारी किया गया है। तो अभी इंडिया की रैंकिंग है वो इसमें 11वें नंबर पे रही है। अब हम देखते हैं इसके कुछ फैक्ट के बारे में कि किस क्राइटेरिया के आधार पर जारी है वो किया जाता है। देखो इसमें चार कैटेगरीज हैं, चार पैरामीटर हैं, उनके आधार पर यह इंडेक्स जारी किया जाता है। पहला तो इसमें यहाँ पे देख सकते हो ग्रीन हाउस गैस एमिशन 40% जो कंट्रीब्यूशन है वो रहता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन हिस्से का, 20% हिस्सा कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है यहाँ पे क्लाइमेट पॉलिसी को लेके, और 20% रहता है एनर्जी यूज कैसे हो रहा है, और 20% रहता है रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में। तो इस तरीके से 100% होगा टोटल और उसके आधार पर इंडेक्स है वो प्रिपेयर किया जाता है। मतलब सबसे ज्यादा जो वेटेज है यहाँ पे वो रहता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन का। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सा किसका वेटेज कितना है, तो मैं ध्यान में रखना कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो है ग्रीन हाउस गैस का 40%, बाकी तीन है उनका है 20-20-20। तो ये कुछ फैक्ट है। इसके बाद देखो अंदर भी और भी क्लासिफिकेशन किया गया है, तो वो सब तो हमें डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक मोटा मोटा हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो यहाँ पे है मदर ऑफ ऑल बम और फादर ऑफ ऑल बम के बारे में। देखो आपको पता है कुछ टाइम पहले यूएसए ने अफगानिस्तान के अंदर जो आईएस है इसके ऊपर एक बम फेंका था, ये बम डाला था जिसका नाम था मदर ऑफ ऑल बम, जिसका नाम था वैसे बेसिकली GBU-43B मासिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट वेपन। तो ये एक्चुअली वर्ल्ड का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर बम था, ध्यान रखना, मतलब इसमें न्यूक्लियर वेपन नहीं था, विदाउट न्यूक्लियर वेपन की बात तो सबसे बड़ा यह बम था जो कि वहां पे फेंका गया था। तो अभी उसी तर्ज पे चाइना ने भी एक अपना बम बनाया जिसका नाम है मदर ऑफ ऑल बम की संज्ञा उसे दी गई है। तो यह ध्यान रखना कि यूपीएससी पूछ सकती है कि मदर ऑफ ऑल बम के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए कि एक तो यूएसए ने बनाया है और एक चाइना ने और उसके साथ रशिया ने। रशिया ने जो बम बनाया है उसका नाम है यहाँ पे फादर ऑफ ऑल बम जो कि यूएसए के बम से भी बड़ा है। तो यह कुछ फैक्ट है। तो चाइना ने जो बम बनाया ना मदर ऑफ ऑल बम वो एक्चुअली यूएसए के बम से तो छोटा है बट उसकी एफिशिएंसी उसकी जो हम बात करें जो उसका नुकसान है वो काफी बड़े लेवल पे होगा। तो ये कुछ दो तीन फैक्ट हैं जो हमें यूपीएससी में भी पूछ लें तो हमें थोड़ा पता होना चाहिए। एक तो देखो ये ध्यान रखना है कि जो मदर ऑफ ऑल बम या जो फादर ऑफ ऑल बम है वो नॉन न्यूक्लियर वेपन है, मतलब इसमें न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। और यहाँ पे जो मदर ऑफ ऑल बम है वो किस चीज के द्वारा बनाया गया है, यूएसए और चाइना के द्वारा, और फादर ऑफ ऑल बम है वो रशिया के द्वारा डेवलप है वो किया गया है जो कि शॉकवेव की हेल्प से लोगों को यार नुकसान है वो पहुंचा सकता है। तो ये कुछ फैक्ट थे जो भी न्यूज में भी आए थे। नेक्स्ट जो आर्टिकल आया है वो है मिशन इंद्रधनुष को लेके। मिशन इंद्रधनुष इंपॉर्टेंट क्यों है वो देखते हैं। देखो मिशन इंद्रधनुष है वो अभी न्यूज में इसलिए है क्योंकि एक ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है उसमें इसका टाइटल है वो पब्लिश किया गया है। क्यों, क्योंकि इसने काफी अच्छा काम है वो इंडिया में किया है और ग्लोबल लेवल पे भी इसको सराहा जा रहा है। तो जो ब्रिटिश मेडिकल जर्नल है उसमें इसका टाइटल रखा गया है इम्प्रूविंग वैक्सीनेशन कवरेज इन इंडिया। तो उसको लेके यह रिपोर्ट है वो, मतलब ये आर्टिकल न्यूज़पेपर में आया है कि भाई वर्ल्ड की अदर कंट्रीज हैं, वर्ल्ड के जो टॉप कंट्रीज हैं वो भी इंडिया की मिशन इंद्रधनुष को प्रमोट है वो कर रहे हैं, इसको लेके मतलब काफी वाई वाई बटोरी जा रही है। अब हम बात करें इसके बारे में। देखो मिशन इंद्रधनुष है वो गवर्नमेंट के द्वारा 2014 में स्टार्ट किया गया था, दिसंबर 2014 में। इसका मेन मोटिव ये था कि जो इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है इंडिया में उसको कवरेज है उसका दायरा वो बढ़ाया जा सके। तो हमारे देश में जो बच्चे और जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको जो टीकाकरण अभियान है उसको प्रमोट करने के लिए ये मिशन इंद्रधनुष है वो आया था। तो ये ध्यान में हमें एक छोटे से फैक्ट भी रखना है। इसी के साथ ही 2018 के दिसंबर में एक वो भी चली थी जिसे हम बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस, जिसका नाम था पार्टनर्स फॉर्म के बारे में। तो यह ध्यान रखना है कि 2018 के दिसंबर में पार्टनर्स फॉर्म एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था दिल्ली में और वहां पे इसका शो के साथ प्रदर्शनी भी की गई थी इसके बारे में, तो उसको लेके न्यूज है। इसके साथ ही उसका जो एडवांस फॉर्म है उसका नाम है मिशन इंद्रधनुष, सॉरी इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, तो वो लॉन्च किया गया था 2017 दिसंबर में। ये इसका एडवांस फॉर्म है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि इसका थोड़ा जो अपग्रेडेड वर्जन था मिशन इंद्रधनुष का उसका नाम है इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष। तो ये उसको लेके छोटी सी न्यूज थी। तो ये थे आज के हमारे जो कंप्लीट आर्टिकल जो उन्होंने यहाँ पे कवर किया।
तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, अब एक बार हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पंचतीर्थ के बारे में जाना, जो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस में है और उसको भी नेशनल हेरिटेज का दर्जा दिया गया है, जो कि पांडो से रिलेटेड है। इसके साथ हमने यहाँ पे लोकपाल के बारे में फैक्ट जाना, लोकपाल को लेकर जो भी नियुक्ति की बात चल रही है उसके बारे में, पावर्स वगैरह के बारे में हमने डिस्कस किया, और जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई पैनल के बारे में भी जाना। इसके साथ हमने यहाँ पे देखा तो लोकपाल के पावर के बाद हमने देखा अटल सोलर कृषि पंप योजना, जो कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा किसानों को जो उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल है इसका बोझ कम करने के लिए लॉन्च है, वो की गई है। इसके साथ ही हमने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में जाना, जो कि जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप के द्वारा जारी किया गया था। इसी के साथ हमने लास्ट में यहाँ पे डिस्कस किया मदर ऑफ ऑलम और फादर ऑफ ऑलम, लास्ट का जो हमारा आर्टिकल था वो था मिशन इंद्रधनुष को लेके, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल लेते हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।